শালনীবাগে ত্রিপুরা বিধানসভা চৌমারি আওয়াইনানি হাস্তে সকপাইকা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ত্রিপুরা ফাইবানি শালনীনি শালো পুইলাও বিলুনিয়া রাজনগর আবন ইয়াগুলো বরজলা রানী মাঠ আমতয়ো থাঙ্গে বিজেপি ক্যান্ডিডেট আওয়াই সংতজাক সভাও মানজাগিখা বিজেপি ক্যান্ডিডেট ডক্টর দিলীপ দাসন আওয়াই সংতজাক পান্ডাও মানজাগিখা মন্ত্রী রাজনাথ সিং লগেও ক্যান্ডিডেট মন্ত্রী অখরা ডক্টর মানিক সাহা বাবতিয়া বিধানসভা কেন্দ্রনি ক্যান্ডিডেট কৃষ্ণধন দাস বিজেপি প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য খবৈ কুপনি আদম রব তম্বাইখা চকমারি আওয়াই সংতজাক পান্ডানি বিশিকতে বদল সুলাইমা পান্ডাব সংতজাখা কচাম কংগ্রেস নে তাংফাং সুশীল রায়বাই দিলীপ কুমার ঘোষ বিজেপি বানা রবভাইকা বিজেপি হাপাং নি বখাকতে দাল বিদাল শেপ সাপ নি বিশিংতে লোকমান থগরি ওই তংমানি মোদি হাপাং নি বখাকতে ন হিনে শাকা তে বসকাং তাং বতাং না হার জাক না হিনে বিজেপি হাপাং নি বখা কুং চুগই বলাইব ককলাম না রাখা পান্ডাও পান্ডানি নগরাই অস সরল তরিকে সে সম্ভব নেই দূসরি রাজনৈতিক পার্টি মে ইয়ে করনা হো তো পার্টি টুট জায়েগি খন্ড খন্ড হো জায়েগি आपने देखा यहां पर सीपीएम का एक बार मुख्यमंत्री बन गया तो बन गया, उसको बदलना किसी के बस का नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक अनुशासित पार्टी, डिसिप्लिन पार्टी, इसलिए यह संभव हुआ। और हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है देश में, त्रिपुरा के लिए क्या किया है, यानी त्रिपुरा के लिए अथवा देश के लिए हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। हमने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, यह हमारा फर्ज था। आपने यह जिम्मेदारी हम लोगों के कंधों पर दी थी सरकार बनाने की, हम उस फर्ज को पूरा कर रहे हैं। आपके प्रति शासन में होने के कारण जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी का हम निर्वाह कर रहे हैं। हमने कोई एहसान नहीं किया आपके। आज हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति है नहीं कह सकता है कि उसकी भूख के कारण मौत हो गई। 2014 के पहले समाचार पत्रों में इस प्रकार की भी घटनाएं सुनने को मिलती थी, भोजन न मिलने के कारण फला परिवार के चार लोगों ने दम तोड़ दिया। बहनों भाइयों, अब एक भी घटना हिंदुस्तान में जी आपको सुनने को अथवा देखने को नहीं मिलेगी। इतना बड़ा देश, जनसंख्या में दुनिया का सबसे बड़ा देश होने जा रहा है हमारा यह भारत, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दुनिया में भी कहीं मुहैया कराया जा रहा है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत में मुहैया कराया जा रहा है। गैस सिलेंडर, गरीब परिवारों की माताएं और बहनें तो कभी कल्पना नहीं करती थी कि हमारे गैस में भी, हमारे भी घर में कुकिंग गैस से, खाना बनाने वाले गैस से खाना पकेगा, सिलेंडर, गैस सिलेंडर हमारे घर में आएगा, इसी कभी कल्पना नहीं करते। मुफ्त में गैस सिलेंडर मुहैया कराना हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। कई ऐसे आवास, बड़ी संख्या में लोग, इसी अगरतला में चले जाते आप तो अगरतला में बहुत सारे ऐसे लोग थे कि छोटे छोटे टेंट लगाकर, बने बिल्कुल बोरे से, गंदे कपड़ों से बनाकर लोग सड़कों के किनारे पड़े रहते थे। हमारी सरकार ने फैसला किया, जो भारत का नागरिक है, जो भारत माता की कोख से ही पैदा हुआ है, अब वो खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा, बल्कि सरकार उसके लिए पक्का मकान मुहैया कराएगी। और यह काम करना दी कि सरकार ने हिंदुस्तान में प्रारंभ किया है, तो हमारी सरकार ने, यह हमारी सब कुछ छोटी मोटी उपलब्धियां नहीं मेरे बहनों भाई। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को आप समझते थे, इसीलिए 2018 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी यहां जीरो थी, उसको 2018 में उस भारतीय जनता पार्टी को आपने हीरो बना दिया। सरकार चलाने के तरीके का प्रश्न जहां तक है, गवर्नेंस, या मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान की बहुत सारी ऐसी, दुनिया की बहुत सारी ऐसी एजेंसी हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जो कि भिन्न भिन्न देशों में जो सरकारें चल रही हैं, वह सरकारें कैसी चल रही हैं, कैसा परफॉर्म कर रही हैं, इसका मूल्यांकन करती हैं। तो वह इंटरनेशनल एजेंसीज ने जो मूल्यांकन किया है, उस मूल्यांकन के आधार पर यह कहा है
कि हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें सबसे बेहतर सरकार चलाने वाली यानी गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो हमारी और आपकी पार्टी यह भारतीय जनता पार्टी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि उन्हें एजेंसियों ने कहा है। यह हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है। मैं उदाहरण देना चाहूं तो कई दे सकता हूं। आप यहां पर आपने बहुत सरकारों की सीपीएम की सरकार भी देख लिया कांग्रेस की सरकार की देख लिया ये कैसी सरकारें चलाती और हम कैसी सरकारें चलाते। अब मेरे भाइयों यहां तक सीपीएम और कांग्रेस का सवाल है। अब दोनों ने मान लिया है कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते इसलिए दोनों अब एक दूसरे से हाथ मिलाकर कंधे से कंधा मिलाकर अब चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन दोनों कैसी पार्टियां हैं कितना मिलकर चलेंगी कब तक चलेंगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कब तक चलेंगे मैं तो कहता हूं कि एक बांसी है एक पार्टी बांसी है और एक सितारा है। बांसी यानी बंसी सितारा माने सितार। एक बांसी ऐसी है जिसमें कई छेद हो गए हैं राग निकलने की बात तो दूर अब उसमें आवाज भी नहीं। एक सितारा तो ऐसा हो गया है कि जिसके तार ही टूट गए हैं अब उसमें भी राग की बात तो दूर आवाज निकलना संभव नहीं है। यह हालत हो गई है सीपीएम और कांग्रेस की। अब वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चले जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। यहां के हमारे सरकारी कर्मचारियों को कहते हैं हमारी सरकार आ जाएगी तो हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। मैं सीपीएम के लोगों से पूछना चाहता हूं केरल में आपकी सरकार है आपने केरल में ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं लागू किया है। सच्चाई यह है कि हेल्दी पॉलिटिक्स स्वस्थ राजनीति से कहते हैं जनता की आंखों में धूल झोंक कर जो राजनीति न की है और बहनों भाइयों जो कि जनता में कि आंखों में धूल झोंक कर नहीं की जानी चाहिए बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति जो की जाती है वही जो है हेल्दी पॉलिटिक्स होती है वही स्वस्थ राजनीति होती है वही राजनीति की जानी चाहिए। आज तमाशा बना दिया है इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने आया हूं मैंने भाई कि हमारी पार्टी केंद्र में काम कर रही है उसके भी कामकाज को देखा है। सारी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है भारत की इज्जत सारी दुनिया में बढ़ी है। पहले भारत को लोग मानते थे भारत कमजोर देश है सारी दुनिया यह मानती है कि भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है सारी दुनिया मानती है। आपने देखा पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी भारत में घुस आए हमारे सेना के जवानों पर छुपकर कायराना हमला किया हमारे कुछ जवान शहीद हुए उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम दो तीन लोगों को बुलाकर मिनटों में फैसला कर दिया और उसके बाद हमारे सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब रहे और हमने सारे विश्व को संदेश दे दिया सारे विश्व को संदेश दे दिया कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो हम उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर था अब हमारा भारत यह कोई कमजोर भारत नहीं भारत का कद अब दुनिया में बहुत ही ऊंचा हो गया है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है आपको जानकर आश्चर्य होगा यूक्रेन में हमारे हजारों बच्चे भारत के रहने वाले जो मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं यूक्रेन में वहां से वो निकलना चाहते थे क्योंकि वहां पर बमबारी हो रही थी बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे और यहां जो उनके माता पिता थे भारत में वो कहते थे प्रधानमंत्री जी जल्दी से हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालिए। सवाल यह था बमबाजी बंद हो तब ना। तो मेरे भाइयों हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की
जरूरत पड़ी तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से भी बात की, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे लगभग 22-23 हजार यहां के नौजवान यूक्रेन से बाहर। यह भारत दुनिया अब धीरे धीरे भारत को एक शक्तिशाली देश, ताकतवर देश, और कभी यह भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है, विश्व गुरु के पद पर फिर से भारत बैठ सकता है, यह विश्वास सारी दुनिया में लोगों के अंदर पैदा हो रहा है। और दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमारे भारत की हो गई है, ऐसा भारत बना। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने आया हूं बहनों भाइयों कि भारतीय जनता पार्टी को आप सबका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को एक ऐसा देश बनाना चाहती है जिसमें कि कोई भूखा न सोए, ऐसा कोई व्यक्ति शेष न बचे जिसके हाथ यदि काम करना चाहता है तो उसके हाथों को काम न मिल जाए, सभी सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी जी सके, ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। भारत कभी विश्व गुरु के पद पर आसीन था, इस भारत को हम फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन करना चाहते हैं। बैठेगा भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर, इस विश्वास के साथ हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। विकास यहां क्या हुआ है, कितना हुआ है, मैं समझता हूं मुझसे बेहतर आप जानते हैं, और डॉक्टर मानिक शाह जी ने बहुत विस्तार में सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं, इसलिए उन सब सारी चीजों की यहां पर इस समय चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल से मैं आया हूं, ये हमारी चौथी सार्वजनिक सभा है जिसको कि मैं संबोधित कर रहा हूं। मैं लोगों से पूछ रहा था क्या हालात है यहां के, तो लोगों ने बतलाया साहब बात तो पक्की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कुछ अपने प्रेस के मित्रों से भी पूछा, वो लोग भी मिले थे, कहा साहब चिंता मत करिए, दुविधा नहीं है, दुविधा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पक्का है। मैंने कहा कितना मिलेगा, कहा इतना मानकर चलिए कि पिछली बार जितना मिला था उससे कहीं ज्यादा मिलने जा रहा है। और मैंने भाइयों कल की एक सभा में मैंने कहा था कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें यदि प्राप्त होंगी, 50 सीटें यदि प्राप्त होती हैं, मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि त्रिपुरा जनता की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए स्वयं त्रिपुरा की एक बड़ी सभा में वह यहां पर मौजूद हों, आप सभी लोगों के सामने मैं उनसे आग्रह करूं। इसलिए इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि हमारे जो भी प्रत्याशी यहां पर मंच पर। राजा खड़ागुली ने दैनिक अक्षम ब्यूरो रिपोर्ट खुबई।